सलाम का ट्रेलर देखने के बाद अक्षरा सिंह खुद को अपने आप को रोने से नहीं रोक पाई। जी हाँ, ये फिल्म ही कुछ ऐसी है कि इसे देखने के बाद हर भारतीय का दिल गर्व से चौड़ा हो जाएगा। फिल्म में ऐसे एक्शन सीन है और फिल्म में ऐसे डायलॉग है कि जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। पवन सिंह की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है माँ तुझे सलाम। जी हाँ, ट्रेलर ने आते ही धमाल मचा दिया है। फिल्म में काम करने वाले हर एक स्टार कास्ट की जमकर तारीफ हो रही है, चाहे वो फिल्म के लीडिंग हीरो पवन सिंह हो, चाहे वो मधु शर्मा हो, चाहे वो अक्षरा सिंह हो, चाहे वो सुरेंद्र वर्मा हो, चाहे वो फिल्म में कॉमेडी करते प्रकाश जैसी क्यों न हो। फिल्म के हर एक लोगों ने जमकर पसीना बहाया है और फिल्म का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फिल्म के हर एक स्टार ने पूरी मेहनत की है फिल्म के लिए। लेकिन अक्षरा सिंह को रोना क्यों आया, चलिए जरा इस बात पे भी तफ्तीश कर ली जाए। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के विवाद के बाद, उनके लड़ाई के बाद, ये उनकी पहली रिलीज है और अक्षरा सिंह को कहीं से भी नहीं लगा था कि उनका फिल्म में रोल इतना होगा। जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है, अक्षरा सिंह को कहीं से भी नहीं लगा था कि फिल्म में पवन सिंह के झगड़ा करने के बाद उनका रोल उतना होगा, क्योंकि खुद अक्षरा सिंह ने लाइव आकर लोगों से ये कहा था कि पवन सिंह के साथ जितने भी फिल्में उन्होंने साइन की हैं, उन सारे से पवन सिंह ने उन्हें निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को ये लगा ही होगा कि शायद उन्हें फिल्म माँ तुझे सलाम में वो फुटेज न मिले जो कि फुटेज उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन फिल्म के ट्रेलर में अपने रोल को देखकर अक्षरा ने राहत की सांस ली होगी। खुद अक्षरा सिंह को भी फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था। शायद फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अक्षरा सिंह के आंखों में जो आंसू आए होंगे वो खुशी के ही आए होंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।